खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गाके दिखाना। पपीता पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, आ घूमर
floor of India. My color are yellow, green and olive. I am rich in vitamin A, C, D, iron, fit, and people like to eat me very much. Thank you. Bye. Hello, I am tomato. I am red in color. I am very juicy and healthy vegetable. I am round in shape. Good source of vitamins. People like to eat me much. Thank you. Hello, I am potato. I grow under the ground. I run in all shape. I am very energy giving vegetable. People make suffer for me. Fish likes to eat me most. Thank you. Hello, my name is Onion. I am type of vegetables. I am grows under the ground. I am white, pink, purple in colors. I am round in shape. I have tears in people's eyes, but I am good for health. Thank you. Bye. Hi, I am Chili. I am in red and green color. I am very spicy vegetable. I am very famous in India. Very famous in dishes a lot. Kids don't like to eat me, but I am rich in fiber. Thank you. Hello, I am a grass. I am delicious. I'm down dish. I found in summer season. My color is green and people like to eat me. Thank you. Hi, I am a strawberry. I am a sweet and tasty fruit. I am good source of vitamin C. I am red in color. I am using ice cream, juice, jelly. People like to eat me very much. Thank you. Hi, I am a banana. I am yellow in color. I am sweet and healthy fruit. I am rich in vitamins. I am full of fiber. People like to eat me very much. Thank you. Hello, hi, I am a carrot. I am root vegetable. I am orange and red in color. I am sweet and crunchy in taste. I am orange and red in color. I am good for people health and skin. That's why people like to eat me. Thank you. बहुत अच्छे, बहुत बेहतर, जोरदार तालियां. Thank you.
से हम तुम कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छनक छनक छुम छुम
बेटा
चलना सभी फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, मेरे चक में डालो पेस्ट, कमल की फसल उगाना। अरे रे रे ओबे, चल बेटा शुरू हो जा, शुरू बगल उठा के थोड़ा डीओ लगाना, इसी बगल वाली को मर्दानी खुशबू सुनाना। चल ऊपर को तो बटन खुले कर तो बताना, बालो वाला सीना दिखाना, बालो वाला सीना दिखाना। परसों का लट्टू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख, स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की पे डागे देख। यही उम्र है enjoy every moment for life only in English.
मीडियम स्कूल। सो यार एंड मीडियम स्कूल इज सो फार दिस मोमेंट। हाँ ये तो होगा हमारे यहाँ, हाँ ये तो होगा। क्योंकि आप लोग हजारों रुपए फीस के नाम पर वसूल करते हो। हमारे यहाँ मुफ्त में तालीम का निजाम है और ये बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर डिबेट किया है दो बच्चियाँ, और आपको बताते चले कि ये दोनों बच्चियाँ हमारे इसी स्कूल से ताल्लुक रखती है और दोनों जो है जुड़वा बहनें हैं। ये दोनों जुड़वा बहनें थी और दोनों भी उर्दू स्कूल अड़कल से ताल्लुक रख रिलेटेड है। और दोनों बच्चों की फ्लुएंसी हमने देखे, इंग्लिश मीडियम में भी हमारे बच्चे जो है किसी तरह से भी कम नहीं है। पहचाना मुझे, मैं वसंत राज, मैंने दुनिया में कहीं मौत के एजेंट भेजे, मेरे एजेंट सरेआम दुकानों में बेचे जा रहे। ये देखो मेरा पहला एजेंट तंबाकू।
Time.
सीरियस एक संजीदा वफादार सिपाही एक ड्रामे के साथ हमारे बच्चे आपके सामने पेश हो रहे हैं। Thank you.
कबीर खाके हरम से आशना हो जाए। हम दीन मोहम्मद के वफादार सिपाही, अल्लाह के अंसार मददगार सिपाही। से फिर आदमी मुंह मोड़ चुका है, सच्चाई से पैमाने वफा तोड़ चुका है, दामान अपनी सब्र रजा छोड़ चुका है। हम जिंदा रहो रस्म का पैमान करेंगे, दीप के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान से मिला कर, आबाद फिर उजड़ा हुआ काशान करेंगे, सदे हस्ती है हमारा कुरान ही दस्तूर असासी है हमारा, कायद भी मोहम्मद समसादी है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे, हाँ।
Yeah.
लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के दिखाना पड़ेगा इसको में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लोगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा भर गया। अभी अभी ताजा खबर आई है कि आज शाम बारिश नहीं होने वाली है, इसलिए अपनी छतरिया नल के नीचे गीली करे रख कर गीली करे। आज की ताजा तरीन खबर ये है कि मछलियों की हड़ताल की वजह से जया ने अपनी मछली की टोकरी जला डाली। अभी अभी अहम खबर आई है कि केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया है कि आज एक हफ्ते के लिए तमाम बंदर हड़ताल पर चले गए हैं, इसलिए आप एक हफ्ते तक अपने घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियां खुली रख सकते हैं। ताजा खबर के मुताबिक तमाम लोग अपने लाइट बिल वक्त पर भरने की वजह से आज से लाइनमैन ने हड़ताल कर दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि आम के सीजन में बूढ़े लोग अपने सेहत का ख्याल रखते हुए पके हुए आम न खाएं, सिर्फ कच्चे आम खाएं। मेडिकल हेल्थ से ऐलान किया गया है कि 7 साल के ऊपर के लोग काजू खाकर अपने दांत खराब न करें। महंगाई बढ़ने की वजह से तमाम लोग अपने कपड़े उतार कर धूप में नहाने के बाद तब में बैठ कर सो जाए। अभी अभी ये सरकारी तौर पर ऐलान हुआ है कि आधार कार्ड जिनके पास नहीं है वो लोग आपस में मारामारी कर सकते
हैं। ताज़ा खबर के मुताबिक जिन लोगों को राशन कार्ड बनवाना है वो फौरन अपना सर मुंडवा कर ऑफिस में आइए। राशन कार्ड पर आपके वोटे का फोटो लगाकर स्मार्ट राशन कार्ड मिलेगा। तमाम महिलाओं को इतला दी जाती है कि बंदरों को वो किचन में आने से न रोके, उन्हें रोज एक नई रेसिपी सिखाए। सरकारी ऐलान के मुताबिक औरतें झाड़ू और बेलन का इस्तेमाल सिर्फ सफाई और रोटी के लिए ही करें। सरकार ने ऐलान किया है कि कबड्डी के खेल को दुनिया में आम करने के लिए हर गांव में से बूढ़े लोगों की एक टीम बनाई जाएगी। तमाम बूढ़े अपने नाम 11 मार्च ऑफिस में दिए। आज के तमाम खबरें आप तक पहुंच गई है। ताज़ा न्यूज़ के लिए आगे इंतज़ार करते करते सो जाइए।
मत की कुंजी है। दादा मेरे अब्बू अम्मी आपके साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं, मुझे इससे तकलीफ होती है। मैं मजबूर हूँ, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो जो मिला है उसे भी मालूम हो जाऊँगा, इसलिए टूटा फूटा बर्तन ही सही। लेकिन मुझसे नहीं देखा जा सकता। तो फिर क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है। वो क्या है बाबू? अब की बार इस प्लेट में खाना आए तो लेते हुए गिरा देना, ताकि वो गिरकर टूट जाए और कुर्ता पर भी कुछ सालन गिर जाए। अरे लाल, ये कैसी बात कर रहे हो? ये मिट्टी का बर्तन तो मेरा सहारा है, ये टूट गया तो मैं खाना किस में खाऊंगा, और ये कुर्ता खराब हो गया तो मैं पहनूंगा क्या? दादा आप इतना काम कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा, आप टेंशन फ्री रहिए। अरे बबुआ, ओ बबुआ। जी अब्बू।
पिता जी। ये क्या कर दिया आपने? मिट्टी का बर्तन था, ध्यान से पकड़ना चाहिए ना। वो आपकी उम्र के साथ साथ तुम्हारी अकल भी बूढ़ी हो गई है। सटिया गए क्या? इतनी लापरवाही, ऊपर से कुर्ता भी खराब कर दिया। कौन कहेगा इसे, जरा भी समझ नहीं। हाँ बुबड़े, अफसोस की बात है, इन्होंने पुराना बर्तन तोड़ दिया और कुर्ता भी गंदा कर दिया। मुझे तो बहुत तकलीफ है, मेरी उम्मीदों पर पानी फेर गया। कैसे उम्मीद बैठे? अबू, मैंने सोचा था कि मेरे दादा जान जब दुनिया से चले जाएंगे और आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको उसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। क्या कहा बेटे, जरा फिर से कहना। अबू, मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मेरे दादा जान का कुर्ता और बर्तन हिफाजत से रखूंगा। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको उसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता आपको पहनाऊंगा। नहीं बेटे नहीं, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। हाँ अब्बू, उसमें प्रॉब्लम क्या है? बेटा तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं इतना दिनों से गफलत में पड़ा हुआ था, आज से ऐसा नहीं करूँगा। अब्बू अब्बू, मुझे माफ करना। चुप रहो बेटा, चुप रहो। मैंने अपने बाप के साथ बहुत बुरा किया और मैंने अपने बाप को बहुत सताया, आज से ऐसा नहीं करूंगा। नया बर्तन और नए कुर्ते का इंतजाम करूंगा और तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारी खिदमत करूंगा इंशाल्लाह। मेरी ये तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करे, क्योंकि वालिदैन अल्लाह की नियामत है, वो हमारी जन्नत है। अगर आज हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया तो कल हमारी औलाद हमारे साथ वही सुलूक करेंगे जो हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे थे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Jay. Y'all ready? Let's go. से करेंगे सबका स्वागत। स्वागत से करेंगे सबका स्वागत। Swag se karenge sabka swagat. Y'all ready to bring the riff back? Swag se karenge sabka swagat. Let's go.
बकरा चल जाओ बाजारी सोचे बाजारी झोकांच्या नजरा परतिंग तुझ्या बजी कल्ला कपारू कत्ते सो नकरा चल जाओ बाजारी चल जाओ पारू पहले ही हीरो कर बाजार की तैयारी सरकारी टोपली माथ्या बजे उनकी तू सा बाजारी
सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से राशन शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से राशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा अम्मी मुझे जींस चाहिए। बेटा लड़कियों को जींस नहीं पहनना चाहिए। प्लीज अम्मी दिलवा दो ना, मेरी हर फ्रेंड्स के पास है, एक मेरे पास क्यों नहीं है? अरे इरम क्या लाई हो अपने साथ? माइक। वाह सच में देखो सबके पैंट अच्छे, एक मेरे पैंट मेरे ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं करते? आंटी मम्मी को भी प्लीज ऐसे कपड़े दिलवा दीजिए ना। ये मैमूने कब से मम्मी हो गई? आंटी मैमूना बहुत ओल्ड नाम लगता है, इसलिए इसका शॉर्ट नाम मम्मी रखा है। क्यों, कितना तो प्यारा नाम है मैमूना। मैमूना तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे बीवी का नाम था मैमूना। ओ अम्मी आप तो ऐसे वक्त से बता रही है जैसे कोई हीरोइन का नाम हो मैमूना। आप भी मुझे मम्मी कहकर बुलाए ना और मुझे जींस दिलाए ना। पूछिए इरम से, मेरी हर फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती है। अब इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात हुई? आंटी हमारे स्कूल में एक से बढ़कर लड़का है, सिर्फ एक मम्मी है जिसके कपड़े किसी को भी पसंद नहीं आते और सब इसके हंसी उड़ाती है। क्या हो रहा है, कौन किसकी हंसी उड़ा रहा है? आपकी मैमूना लोगों के हंसी का मौजू बन चुकी है। परसों उसके फ्रेंड का बर्थडे है इसलिए इसे जींस और टी शर्ट दिला दे। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है, हमारी बेटी जींस पहनेगी? पहनना ही पड़ेगा,
भाई की दुकान खुली ही होंगी। चलो अब तुम्हारे लिए जींस देख लेते हैं। थैंक यू अब्बू। अभी क्या अपने बेटे को भी लड़का बना देगा क्या? अंगार लगा ले ऐसे स्कूलों पर, बस इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, दिन से दूर कर देंगे इंग्लिश स्कूल। तुम अम्मा का गुस्सा ठंडा करो, हम अभी आते हैं। पर्दा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله کا ذکر کر لیا کر میری چھوٹی بچی کو دیکھ دن بھر اللہ کا ذکر کرتی ہے Oh grandma don't call me Maimuna call me mommy understood अच्छा खासा नाम भी काट दिया है। थोड़ा मगरिब का वक्त हो रहा है, थोड़ी सी तिलावत कर ले फिर नमाज पढ़ लेना। मम्मी मम्मी अब क्या हो भाई? Tell your mother no, don't interfere my matter. क्या कह रही है ये? ये कह रही है कि दादी से खड़ा नहीं रहा जा सकता, इसलिए दादी को वजू खाने तक छोड़ा है। मैं छोड़ूंगी दादी को वजू खाने तक, हाफिज भी ने कहा था कि कल मैं पूछूंगा आपने कौन कौन से घर मैंने काम किए। अल्लाह अच्छा लगे मेरे बच्चे को। माइक 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 देखा। दीदी give respect takes respect। आयशा के बच्चे लोग तुझे अभी बताती हूँ। क्यों रे मम्मी, ये आयशा भी पूरी ही दादी बनते जा रही है। क्यों ना तुम मेरे घर चलो, वहाँ दादी नहीं है, हम वहाँ पर डांस कर सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। ओके लेट्स गो देयर। मम्मी आई एम गोइंग टू यूरोप होम, बाय। सिंग टोंग। हेलो हेलो मैमूना बेटा, तुम कहाँ हो? क्या तुमने कोर्ट मैरिज कर ली? क्या वो लड़का क्रिश्चियन है? तुमने हमारे आजादी देने का फायदा उठाया है, खबरदार अगर तुमने इस घर में कदम भी रखा तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। क्यों क्या हुआ बेटा, कोई मर तो नहीं गया? अच्छा होता अम्मा अगर कोई मर ही जाता। क्यों क्या हुआ बेटा? हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, मैमूना ने क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ली। ऐसा मत कहो बेटा, सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसा मत कहो बेटा। अम्मा अम्मा दादी दादी उठिए, दादी दादी उठिए, दादी दादी उठिए, दादी दादी उठिए, दादी 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 उठिए। क्या हुआ ऐशा, कुछ तो कहो, क्या हुआ चाची को? दादी दादी उठिए, दादी उठिए, दादी दादी उठिए, दादी दादी उठिए। भाई साहब मोमिना को बुलाइए, आखिरकार वो इस घर की पोती है, पोती है। ये सुनकर अब्बू का सर चकराने लगता है और वो सोचने लगते हैं, अब मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, मैं किस तरह लोगों के सामने अपना सर उठा सकूंगा? मैं अपने रब के सामने क्या जवाब दूंगा? ऐ काश मैं मैमुना को भी इस्लामिक स्कूल में दाखिल करा सकता, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब क्या हुआ आपको? उठिए अबू उठिए। अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता, अबू उठिए, दीदी आ जाएंगे, अबू आपको लिए। अम्मी कुछ तो बोलिए। अच्छा ऐसा यहाँ से ये नहीं बोलेंगे, मैं मुजरिम हूँ, मैंने इन दोनों को मारा है, मैं मुजरिम हूँ इनकी, मैं मुजरिम हूँ। आयशा मेरे आंखों में
मैं आपके सामने नजम पेश करती हूँ। गर्दिश में आज बुरके का तारा है दोस्तों, गर्दिश में आज बुरके का तारा है दोस्तों, फैशन ने इसको जान से मारा है दोस्तों, फैशन ने इसको जान से मारा है दोस्तों, ये तो हिजाब हुक्म खुदा रा है दोस्तों, ये तो हिजाब हुक्म खुदा रा है दोस्तों, कुरान इसका साफ इशारा है दोस्तों, कुरान इसका साफ इशारा है दोस्तों, किस तरह घूमने की तो फुर्सत मिले उन्हें, किस तरह घूमने की तो फुर्सत मिले उन्हें, बुरके के नाम पर तो इजाजत मिले उन्हें, बुरके के नाम पर तो इजाजत मिले उन्हें, बुरका इसीलिए उन्हें प्यारा है दोस्तों, बुरका इसीलिए उन्हें प्यारा है दोस्तों, फैशन ने इसको जान से मारा है दोस्तों, फैशन ने इसको जान से मारा है दोस्तों, लोगों ने इसके रूप भी कितने बदल दिए, लोगों ने इसके रूप भी कितने बदल दिए, एक रंग में अब से करोड़ रंग भर दिए, एक रंग में अब से करोड़ रंग भर दिए, बुरके को हमने और बिगाड़ा है दोस्तों, बुरके को हमने और बिगाड़ा है दोस्तों, फैशन ने इसको जान से मारा है दोस्तों, फैशन ने इसको जान से मारा है दोस्तों, खुदाफिस। वाह वाह वाह, आपने मोहतरमा परवीन शाकिर को सुना और खूब दाद दी, इसी तरह दूसरे शोरा को भी खूब उनकी हौसला अफजाई कीजिए। अब मैं आवाज देना चाहती हूँ मोहतरमा असबा लता बलामपुरी को। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मालूम है सबकी भूख कौन मिटाता है? मालूम है रोटियां, इसलिए आज मैं नाजम रोटियां पढ़ने वाली हूँ। दुनिया में सबकी भूख मिटाती है रोटियां, दुनिया में सबकी भूख मिटाती है रोटियां, और आखिरत भी अपनी बनाती है रोटियां। खाकर हलाल लुकमा जिसने पेट भर लिया, खाकर हलाल लुकमा जिसने पेट भर लिया, जन्नत में यारों उसने अपना घर कर लिया। सामान्य शेर शुक्र दिलाती है रोटियां, सामान्य शेर शुक्र दिलाती है रोटियां, फाके कशी से घर में बुरा हाल हो गया, रो रो के लाल मेरा फिर से भूखा सो गया। कैसा तुम्हें सितम जलाती है रोटियां, हलती है रोटियां, क्या बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं ऐसे
लोका मारा बोलतो थियो है नाशेरो डोर लोका मारा बोलतो थियो है नाशेरो डोर शरीफ फटे बगा तुमचो तरी पोर पोरगी मिले तुम्ही जावा मिरजला पोरगी मिले तुम्ही जावा मिरजला मतारे दिसता त्यांना जवान पोर बावा आमचो बोलते मरा शेरू नको पण बुआ बोलते माझो लाडको पोर बावा आमचो बोलते मरा शेरू नको पण बुआ बोलते माझो लाडको पोर व्हिडिओ कॅमेरा जो शादीत नाही बाबाला बोलत लावा थोडो जोर बघ बावा भलताच काम करू नको बघ बावा भलताच काम करू नको पळशी बघ झाडावर तू चढू नको बिना दारीची हातूची फिरतात मजात बिना दारीची हातूची फिरतात मजात मा सांगते रमजानात दारी करू नको आजान होते पण चालू आहे टीव्ही आजान होते पण चालू आहे टीव्ही नको अल्लाची इबादत करू सिरियल हवी लहान मोठ्यांची खाते लाज शरम गेली लहान मोठ्यांची खाते लाज शरम गेली बाबा सोबत पोरा बघतात टीव्ही दिसभर इकडे तिकडे नाचतात म्हातारं आमचं रातभर हसते दवा खाऊन पण काही फरकच नाही दवा खाऊन पण काही फरकच नाही डॉक्टरच्या गेल्यावर इंजेक्शन मारते खुदाफीज बुलाना चाहती हूँ जनाब ख्याली पुलाव को वो आइए और अपना कलाम पेश करे अस्सलाम वालेकुम मैं आपके सामने नज़म पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है ख्याल आप नज़म का मतलब समझ फरमाइए एक रोज हुआ अपना यू बाजार से गुजर एक रोज हुआ अपना यू बाजार से गुजर किस बेखुदी में उनसे जो टकरा गई नजर क्या बात है वो हंस के मुस्कुरा के शर्मा के उस घड़ी वो हंस के मुस्कुरा के शर्मा के उस घड़ी हसीन रहा था लेकिन उसमें भी दिल नशीन भरी नजदीकिया बड़ा दी गई नजरों की है सबील नजदीकिया बड़ा दी गई नजरों की है सबील आवाज सुनने के लिए था ये बेकरार दिल फिर नाम उसने अपना हमें यूं बता दिया फिर नाम उसने अपना हमें यूं बता दिया उसने तो धड़कनों में से ही दिल का पता दिया उल्फत को जिंदगी का नशेमन बना दिया उल्फत को जिंदगी का नशेमन बना दिया उस देशोजा को हमने सुहागन बना दिया हमको तो उम्र भर यूं उल्फत पर नाचता हमको तो उम्र भर यूं उल्फत पर नाचता घर मड़ में आज सारे बच्चों का सास था दिन जिंदगी के खूबी कटने लगे हसीन दिल जिंदगी के खूबी कटने लगे हसीन मिलजुल के साथ रहने लगे सब खुशी खुशी शर्मा के हम तो रह गए घबरा गए थे हम शर्मा के तो हम रह गए घबरा गए थे हम किस बेखुदी में उनसे जो टकरा गए थे हम खुदा इसके बाद मैं आवाज देना चाहती हूँ ऐसे शोरा को जिनका दंगा हिंदुस्तान के साथ साथ बैरून मुल्क में भी है वो है वह अंजुम रहबर अस्सलाम वालेकुम मैं आपके सामने कोकनी गजल पेश करना चाहती हूँ जवा पोर माजो पण जवान जैलो जवा पोर माजो पण जवान जैलो चायनीज खाऊन तो पण पहलवान जैलो हाफीजी गेले टोपी काढून थिएटरला हाफीजी गेले टोपी काढून थिएटरला फिल्म पाहिली बघलाय पण तो शैतान जैलो जवा त्याला कोण भाव देतोच नाही जवा त्याला कोण भाव देतोच नाही स्टाइल मारून तो पण परेशान झालो क्रिकेट खेळून कवा पोट भरते क्रिकेट खेळून कवा पोट भरते साल कवा पोट भरते साल काम धंदा सोडून तो पण परेशान झालो पूर्ण देशात उलटी आहे गंगा पूर्ण देशात उलटी आहे गंगा पूर्ण देशात उलटी आहे गंगा इसके बाद मैं आवाज देना चाहती हूँ हिंदुस्तान के मशहूर शायर फैज अहमद फैज को मैं आपके सामने एक गजल पेश कर रहा हूँ
गजल का मतलब समझ फरमाए। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, चिमते तो दिल आशिक पहले तो जमाना है। दिल संगे मलामत का हर चंद निशाना है, दिल संगे मलामत का हर चंद निशाना है, दिल फिर भी मेरा दिल ही तो जमाना है। शायर हूँ मैं शायर हूँ मेरा ही जमाना है, शायर हूँ मैं शायर हूँ मेरा ही जमाना है, फितरत मेरा आईना कुदरत मेरा निशाना है। आंखों में नमी सी है चुप चुप से वो बैठे है, आंखों में नमी सी है चुप चुप से वो बैठे है, नाजुक सी निगाहों में नाजुक सा छुपाना है। इसके बाद मैं आखिर में बुलाना चाहती हूँ मोहतरमा शबीना आदिब को। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक नज़म पेश करना चाहती हूँ। खत की हिजरत हो गई मोबाइल जब से आ गए, खत की हिजरत हो गई मोबाइल जब से आ गए, कम तक होने में सारी दुनिया पर सारी छा गए। इंतजारी लाल में मिला माँ को खत से सुकू, इंतजारी लाल में मिला माँ को खत से सुकू, वो डायल अप खो चुके हैं मैसेज ही सब बतला गए। बच्चे बूढ़े और जवान सब लुत्फ अंदोजी में हैं, बच्चे बूढ़े और जवान सब लुत्फ अंदोजी में हैं। ऑन करके फेसबुक यारो हम चकरा गए। कश्मकश की ये दुनिया उसके लिए अच्छा हुआ, कश्मकश की ये दुनिया उसके लिए अच्छा हुआ, छीन गया सारा सुकून नेट को हम अपना गए। खेलता है लाल मेरा फेसबुक पर रात भर, खेलता है लाल मेरा फेसबुक पर रात भर, अब सारा गम ये सारा दिन ये कैसे आ गए। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा
प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता हूँ, ऐसा मैं ऐलान करता हूँ। उससे कबल में तमाम मेहमान दोनों जमात के जिम्मेदारान, गांव के तमाम नौजवान, एसएमसी के मेरे तमाम मेम्बरान, ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और उनके तमाम मेम्बरान, और हर वो छोटा बच्चा और हर वो बूढ़ा शख्स जिन्होंने इसके लिए दामे दरमे या फिर अपनी जाती मेहनत से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारा भरपूर ताउन किया, मैं उन तमामों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज उससे कबल एक यहां पर अगर कासम वाकनकर भाई अगर कहीं है तो प्लीज दो मिनट के लिए ऊपर आ जाए, दो मिनट के जल्दी, सिर्फ एक मिनट में ये सब खत्म होने वाला है, सिर्फ एक मिनट। मेरे टीचर्स, तमाम टीचर्स यहाँ पर आ जाए। जज़ाकअल्लाह खैर। इकबाल सर, यूनुस सर, इसको लिहाजा के सदर मुदर्रिस और हमारे हरनई केंद्र के केंद्र प्रमुख जी विकार जलील अगरकर सर, इनका यहाँ पर शायद निशान इस्तकबाल और उनको खुश ने ताउन हमें अता किया। इसी तरह से पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने, बच्चों के बीच में इन तमामों की बदौलत इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया गया। मैं इन तमामों का भी शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमामों का शुक्रिया अदा करते हुए आज का यह प्रोग्राम यहां पर इख्तिताम पज़ीर होता है, ऐसा ऐलान करता हूं। अल्लाह हाफिज।